अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं तुम सारे खैर करिए दिन नाल होवोगे, हंसते रहो, आबाद रहो, तो सानू अपनी दुआ में याद रखो। पिछले व्लॉग में तुम्हें देखा होना कि असं आए हुए मियाँ वाली कुंदियाँ, और अज अं तुम्हें लैके जावे कुंदियाँ के मशहूर और मसरूफ तरीन जंक्शन कुंदियाँ। नए आने वाले दोस्तों को गुजारिश है कि साढ़े चैनल सबसक्राइब करो और साथ लगे घंटे के बटन दबा दो, ताकि साड़ी हर नए आने वाली वीडियो थोड़े तक आसानी पहुँच सके और साड़ी वीडियो में ज़्यादातर शेयर करो। जिस तरह के तुहानू सबनू पता है कि कुंदियाँ जिहड़ा पंजाब का आखिरी शहर है, इस तो दूसरी साइड से मतलब दरिया की दूसरी साइड से खैबर पख्तूनख्वा शुरू हो जाता है। कुंदियाँ के बारे दिलचस्प हकायक जानने वास्ते तुसीं साडे नाल जुड़े रहना और बिना स्किप किए वीडियो को शुरू तो लैके एंड तक जरूर देखना है। कुंदियाँ की तारीख शुरू होंदी है सन 1878 तो, मुहम्मद इस्माइल कुंदी जंग के चक लगारी तो कुंदियाँ आए थे। मुहम्मद इस्माइल कुंदी साहब उन्होंने अपना जिहड़ा डेरा सीगा वह दरिया सिंध के किनारे लाया सी और मछली का शिकार करके अपना गुजर बसर करते। उस दौरान इस जगह पर आया सी बहुत बड़ा सैलाब, तो टवाणा के हुक्मराना ने इन्हों कुंदी बरादरी नू दोबारा आबादकारी वास्ते इन्हों की बहुत ज़्यादा हैल्प की। अज का कुंदियाँ शहर दो यूनिटों के तकसीम आ, कच्चा पक्का यूनिट, तो अज की कुल मजमूई आबादी तकरीबन 1.5 से 2 लाख के राउंड अबाउट आ। इत्थे दी कौमी जुबान जिहड़ी सुरैकी आ और पंजाबी बहुत कम ने, वो लोग ने जिहड़े बाहरों आ के इत्थे अपना जॉब वगैरह करते हैं। तो कुंदियाँ के लोग जिहड़े ने बड़े मेहमान नवाज हुंदे ने, बड़े जीदार हुंदे ने। असीं कल जिस टाइम मियांवाली तो कुंदियाँ पहुँचे सीगे, असीं देखिया काफ़ी एरिए दे विच इत्थे कोयला पिया होया सीगा, शायद उहदी लोडिंग हो रही थी ट्रेन के उत्ते। असीं सोचा कि सब तो पहले असीं उहनूं एक्सप्लोर करते हैं, तो उस तो बाद असीं जिहड़ा अगले अपने सफर ते रवाना होवांगे। रेलवे ट्रैक के नाल ही जिहड़ा वा काफ़ी मतलब एरिए जिहड़ा वा कोयला पिया होया वा, इहनू लोड करके शायद पिंडी पिशावर इधर उधर लैके जाते हैं मुख्तलिफ इलाकों के विच। कुंदियाँ जंक्शन जिहड़ा वो अपना पिशावर लाहौर रेलवे ट्रैक का मरकजी पॉइंट है, तो इस तरह भी जिहड़ा कुंदियाँ जंक्शन आ वो बड़ा अहमियत का हामल है। बुलडोजरां दे नाल ट्रकां दे लोड करदे आ, लोड करन तो बाद जिहड़ा इन्हां दी बिल्टी हुंदी आ, बिल्टी पॉइंट भी बणिया होया इत्थे, उस तो बाद ट्रेन ते लोड हो के मतलब मुख्तलिफ शहरां दे विच जा रहा है। असीं आ गए हां कुंदियाँ जंक्शन ते, तुसीं देख रहे हो कि रेल गड्डी दा इंजन रिवर्स हो के आ रहा, तो साडे लैफ्ट साइड ते खड़ी हुई एक माल गाड़ी, शायद यह जिहड़ा इंजन आ उहदे नाल अटैच करनगे, लेकिन एक इंजन पहले भी उस गड्डी दे नाल अटैच हैगा, शायद डबल इंजन करनगे या मे बी वो जिहड़ा पहले वाला इंजन आ उहनू अलहदा कर लैणगे ते इह नवें इंजन नू लाणगे। असीं कल जिस टाइम पहुँचे ना कुंदियाँ, तो असीं बैठे हाँ जाके जिथे जाना सीगा जाके बैठे हाँ, तो बार बार जिहड़ी वो आवाज़ आ रही सी अपना ट्रेन दे जिहड़े वो ना हॉर्न की आवाज़ आ रही सी, तो असीं सोचा कि सब तो पहले जाके असीं जंक्शन की एक वीडियो बना लिए तुहाडे वास्ते, तो उही चीज़ सानू खिंच के ले आई है इत्थे। असल में कुंदियाँ है वा इत्थे वो वर्कशॉप भी ना इंजनों की, तो ये करते हैं कि मतलब इंजन रिपेयर वगैरह भी करते हैं, तो इंजन चेंज भी करते हैं, तो पहले वाला इंजन इन्होंने ला लिया, तो यह हूँ दूसरा इंजन बैक होकर रिवर्स हो के जे जी माल गाड़ी खड़ी है वो नाल अटैच होएगा, तो उस तो बाद अपने सफर से रवाना होएगा। इंजन इन्होंने जोड़ा पहले डब्बा जोड़ा मतलब फ्रंट डब्बा वा वो इन्होंने खड़ा कर दिता, तो हूँ मेरा ख्याल नहीं कोई मतलब इन्हों अटैच कर रहे हैं एक दूसरे के नाल, तो असं जाके देखते हैं कि यह भाई उन्हें बड़े हुए ने बेच, तो यह की कर रहे हैं मतलब इन्होंने को कुंडे होंगे ने की करते हैं, किस तरह एक दूसरे नाल जोड़े मतलब डब्बे ने उन्होंने किस तरह मिलाते हैं, किस तरह अटैच करते हैं, तो इन्हों के नाल होंगे ने मतलब कुंडे लगे हुए, यह भी एक दूसरे नाल मिलाते हैं। तो इधरों एक बनया हुआ मतलब कमरा जहा वो एक आदमी खड़ा वा मुलाजम खड़ा, वो जिहड़ा उहदे विच लगे हुए ने मतलब जो खिंचते ने खिंच के पटड़ी जी चेंज करते हैं वो भी कर रहे हैं, तो असी असी अपना पैर बड़ी बचा के रख रहे हैं, क्योंकि जिस टाइम ही वो अपना जिहड़ा लीवर हुंदा उहनू खिंचदा वा, तो इत्थे लगे हुए ने तारा और तारा जिहड़ियां वो मतलब इधर उधर हुंदियां ने, तो असी जिहड़ा वो बच बचा के पैदल चल रहे हैं। इन्हों का तुम देख रहे हो आयल टैंकर जो हों बहुत बड़ा हों, और इस जगह पर जो इन्हों का हों मतलब क्लू भी चेंज हों जिन्हों अभी ड्राइवर कहने वह भी चेंज हों, मतलब इस जगह तो वो पहले वाला लथ जाएगा, तो दूसरा जो होएगा वो फ्रैश हो के मतलब नींद पूरी होंगी है, तो वह नाल सवार हो जाएगा, वो फिर ट्रेन में ड्राइव करके जिते लैके जाना वह लैके जाएगा।
अच्छा जी, मतलब सब तो जी मज़ेदार चीज़ होंगी है ये जो हॉर्न हों ट्रेन का, वह बड़ा मज़ेदार हों। मतलब तुम जो कि इस जगह पर जाते हो कि नाल ट्रेन की पटड़ी जा रही है तो उत्थे अपना खासकर जो हॉर्न बजाती है अपना ट्रेन, तो उस टाइम बहुत ही मतलब अच्छा फील हों। अपना लीवर लगा हुआ एक साइड पर, तो यह लीवर में भी खिंच के मतलब जी पटड़ी आ इधर उधर कर देने, उसका ट्रैक चेंज कर देने अपना ट्रेन का। यह देख रहे हो तुम लीवर, असं इन नज़दीक तो जाके देखा कि इन किस तरह खिंचते हैं और किस तरह ट्रैक चेंज होंगे ने। ये लगी होंगी है एक मजबूत तार, जिस टाइम खिंचते हैं लीवर में तो तार अगे पिछे होंगी है, जिद मतलब पटड़ियाँ होंगे जितने तुम देख रहे हो कि जितने लगा होगा उतो पटड़ी जी होगी कि उतों जिस तरह कट दिता हों कि ट्रेन जी ईजीली चढ़ सके। माशाल्लाह शाम का टाइम हो रहा, तो बहुत ही प्यारा व्यू आ और बहुत ही आउट क्लास जगह है। मतलब शाम के सन जो सनसैट हो रहा, सनसैट का टाइम, तो असी खड़े हैं इस टाइम कुनिया जंक्शन पर और सूरज जोड़ा वो गरूब होने का टाइम हो गया वह, तो यह तुम देख रहे हो। और स्पैशली जोड़ा वा साइडा तो जोड़ा वा देख रहे लोहा बहुत ज़्यादा पिया होया, पता नहीं इनू कोई 100-150 साल हो गया, सुनिया इस तरह ही है कि 100-150 साल पुराना है जंक्शन। एक चीज़ होर सानू इत्थे बड़ी अमेजिंग लगी कि जी बिल्डिंगा बनी हुई ने यह बहुत पुरानिया ने, अच्छा एक चीज़ पई हुई है कि दो मतलब लाइनों के दरम्यान एक वाइट वाइट पता नहीं है किहड़ी चीज़ है, सानू इस चीज़ की कोई समझ नहीं आई, किसी दोस्त को पता हो तो वह कमेंट सैक्शन के दस सकता। तो इस बारे एक भाई को पूछा वा, वह कहता कि एक्सीडेंटल जोड़े हो जाते हैं मतलब डब्बे और जोड़े रिपेयर के काबिल नहीं रेंगे तो उन्होंने इस तरह साइड पर रख देंगे। अज का व्लॉग साडा खत्म होने जा रहा, तो इंशाल्लाह कल असी जावांगे शाह ईसा बलोट, तकरीबन इतों है 47 किलोमीटर कुंदियां तो। तुसी साडे नाल जुड़े रहना है और हर वीडियो साडी देखनी है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है। इस नाल सानू तो इजाज़त, अल्लाह निगेबान।